अमीना का प्यार देखे, अमीना का प्यार देखे। किस टाइम का किया है? टाइम तो अभी जुम्मे से पहले पहले की कह रहे थे, कहते थे आप अभी आ जाएं, नहीं तो जुम्मे से पहले। तो फिर वहाँ भी जाना है, वो तैयारी श्यारी करें, प्रोग्राम बनाए कोई। कितना पैसा लुक गई दिया? अम्मा कन चोरी चाहिए ना। अच्छा ठंडा मौसम है आज, ठंडा मौसम। ये देखें, ये आ चुका है अचार, बड़े दिनों बाद आज। ये फर्क है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब देखने वाले? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं। तो माशाल्लाह सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मौसम की सूरत हाल आपने देख ली है, बहुत ही मज़े का मौसम बना हुआ है, ठंडा ठंडा भी है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बादल है। तो देखते हैं आज की क्या पोजिशन है, धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज धूप का चांस बिल्कुल भी नहीं है, हर तरफ बादलों का जोर ही जोर है। तो मौसम तो आज बिल्कुल बारिश जैसा, बारिश वाला बना हुआ है। और मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो इस तरफ से तो बहुत ज़्यादा बादल है इस नुक्कड़ पे, वो देखें पीछे बैक साइड पे। इस तरह का मौसम है जी, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, मज़ेदार। तो चलें भी किचन में चलते हैं और देखते हैं किचन की क्या सूरत हाल है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। नाश्ता की क्या रूटीन है और फिज़ा क्या कर रही है, सब कुछ आपसे करते हैं शेयर। चलें जी, आ गया हूँ किचन में और यहाँ पर देखें फिज़ा जो है खाना पीने का सिस्टम कर रही है, देगची ऊपर रखी हुई है, पता नहीं क्या बन रहा है। ना जी सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? बिल्कुल फिट फाट है। क्या हो रहा है? नाश्ता चाय बनाई है और रोटी भी बनाई है आज। रोटी खाने का कुछ है भी नहीं नाश्ते का, तो बना के रख दिया है, चाय नल खा ले। अभी जो है ना, मैं ये दाल चना रख दी है, उबल जाएगी जब तक गैस खड़ा है, तो दोपहर को इसकी भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे बड़े सब ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं। तो माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, सुबह जो होता सुबह सुबह के टाइम में होता भी नाश्ता है। नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है, अभी करते हैं नाश्ता, आगे जो रूटीन होगी बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आज जो है ना, मैं प्रोग्राम बनाया हुआ था सुबह, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मशीन लगाएंगे, कपड़े का जो है ढेर पड़ा है, लेकिन आज जो है ना बादल बने हुए हैं, पता नहीं धुलाई होते हैं कि नहीं। आप मशीन लगाओ, मशीन लगाओ, कपड़े धुलाई कर लो, बद वक्त सूखते रहते हैं। ऐसे कभी मौसम को देख के इंतजार करती रहे, सर्दियों में तो ऐसे मौसम होंगे कभी धूप होगी कभी नहीं होगी, जो है हर एक से एक दिन छोड़ के दूसरे दिन या दो दिन छोड़ के तीसरे दिन जो है। आज वैसे भी जुम्मा है, सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक हो, तो आज जो है ना जुम्मे पे जाएंगे ना आप, और कपड़े पहनेंगे, फ्रेश होएंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं आपका एक सूट पड़ा है जुम्मे वास्ते, मैंने इस्त्री लगा के खड़ा दिया है, वो पहन लेना। बाकी जो है आज बारिश भी आ जाए ना, फिर भी मैं कपड़े धुलाई करती रहूंगी। बंदा कमरे में कहीं लटका देता है कहीं पर, वो सुखाने की टेंशन ना लिया करो, धोने की लिया करो, भी जल्दी जल्दी धोने हैं बस। हाँ सूखे ना तो धोने हैं, जब धुल जाते हैं तो फिर सूख भी जाते हैं। धूप ना हो तो कैसे सूख जाएंगे? सूख जाएंगे बगैर धूप। अच्छा मेरी बात सुनो,
जिन इलाकों में धूप निकलती नहीं, बर्फबारी हो रही होती है, तुम्हारा क्या ख्याल है वहां के लोग कपड़े नहीं धोते होंगे सारी जिंदगी, जहाँ पे 12 महीने बर्फबारी होती है, ये बताओ। धोते होंगे, वो भी अंदर डालते होंगे। तो फिर ये चीज है ना, जब उछला होता है तो उधर डालते होंगे तो सूख जाते होंगे। कपड़े सूखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि धूप ही हो, बगैर धूप के भी सूख जाते हैं कपड़े। हाँ, गर्मियों के धुलाई करते हैं तो 1 घंटे में सूख जाते हैं। हम कहते हैं जल्दी जल्दी उतार ले, इसका कलर ना उड़ जाए। तो सर्दी में ना 2-2 दिन सूखते भी नहीं है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी कुछ वजनी होते हैं, मोटे, तो सूखते नहीं है। ओके, चलो अभी नाश्ता वगैरह दो। वो मैं बात कर रहा था, कहीं से कहीं बात निकल जाती है, मैं जो कह रहा था फिर भूल गया। मैं कह रहा था कि नाश्ते में सालन जो है वो नहीं है, तो सुबह बताती कोई अंडे वगैरह मंगा लेते, कोई 1-2 अंडे बना लेती। नहीं, इतना महंगे अंडे हैं तो मैंने लिए भी नहीं। मैंने किया कोई और चीज नाश्ता कर लेंगे। आज मैं नीचे चलती हूँ, जो हम गर्मियों के अचार पाया था उधर देखती हूँ, वो सख्त था, अभी गला है कि नहीं थोड़ा सा पड़ा है, उधर देख के आती हूँ, एक डली ले आती हूँ तो नाश्ता हो जाएगा। चलो पता करो फिर, ले आओ करे नाश्ता, मुझे भूख लगी हुई है। हाँ जी, ले आती हूँ। और फिर उसके बाद देख लेना, अचार खाली हो गया है तो फिर उसमें हरी मिर्चें डाल देना। वैसे तो थोड़ा सा पड़ा है, बस इतना है पड़ा था, कुछ जो है ना मैं सिद्रा बेटी को दे दिया, पर बिस्बा बेटी को दे दिया, थोड़ा सा पड़ा है, तो तेल तो बहुत है। मैंने कब का कह रही हूँ, मिर्चे ले आए उधर डाल के रखते हैं, क्योंकि मिर्चों वाला अचार ना मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, मिर्चें तो तुम्हारे फेवरेट है, मिर्चें खा खा के अब खांसी नहीं छोड़ती। कोई बात नहीं, खाना पीना तो चलता रहता है। अच्छा जाओ ले आओ, ले आओ। हाँ, इसको देखना, ये दाल उबल रही है, देखना इसको क्या है। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। माशाल्लाह जी, ये देखें, ये आ चुका है अचार। बड़े दिनों बाद आज जो है ना अचार को देख रहे हैं, क्योंकि जब हमने बनाया था, आप सब जानते होंगे, किराए वाले घर में थे तो वहाँ पे ये डाला था अचार, तो फिर उसके बाद जो है ख़त्म ही हो गया आज ही। ये कुछ बड़ा है भैया, ख़त्म हो गया है बिल्कुल। बस 2-4 डलियाँ पड़ी हैं। 2-4 डलियाँ बस अब ना, इसका मतलब है भाई ख़त्म हो चुका है। अभी ना बढ़िया बढ़िया वो मिर्चा ले आए, 1.5-2 किलो वो डाल के रखते हैं। सही है, आज ही ले आते हैं। नाश्ता वास्ता कर लो फिर चलो। आज मुझे टाइम नहीं लगेगा। हाँ। उसको धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर उसकी जो है ना आदल में चीरा देना पड़ता है, फिर नमक डालना पड़ता है, बहुत काम होते हैं। वो जब टाइम हो तो बताना, ले आएंगे फिर। हाँ, कर ले आना, आज मैं कपड़े धुलाई कर लूंगी बस। चलो आ जाए जी, जिसने करना हो नाश्ता अचार के साथ और साथ में चाय के साथ। तो ये देखे रोटी जो है, हाँ तंदूरी में लपेट के रखती हूँ, थक जाती है तो ना लपेट के रखा करो। हाँ, लपेट के रखती हूँ तो फिर गरम रह जाती है। ऐसे बोला ना, हाँ, ये लपेट के रखती हूँ तो ऐसे मैंने ऐसे छब्बी में रखे ना, फिर ठंडी हो जाती। अच्छा अच्छा, चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। माशाल्लाह जी, नाश्ता हो चुका है जी शुरू, तो आ जाए जिसने खाना हो तो सुबह का नाश्ता अचार के साथ। अभी नाश्ता करते हैं फिर बाकी जो रूटीन होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, खांसी थी रात, वो सिरप पिया था, जो फर्क है, फर्क है वो, फिर 2-3 टाइम सिरप पिए तो ठीक हो जाएगी माशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। और आज धूप तो ऐसे ही है, निकल आती है तब फोन को है, कभी निकल आती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी धूप हो जाती है। आज का मौसम वैसे इतनी सर्दी तो नहीं है आज, है ना? सर्दी का नहीं,
सर्दी इतना ज़्यादा नहीं है, बादल हो तो सर्दी जो है ना कुछ कम महसूस होती है। और इधर अम्मी भी आई हुई है। हाँ जी अम्मी जान सुनाए। धूप लगाने आया है, धूप चास दी निकलती नहीं पई। धूप तो आज ऐसी है, आज जड़ बदलन सारे, आज मौसम इस तरह का है ना, ये देखे अभी कुछ कम हो गए हैं बादल और धूप ऐसी है जी। अमीना क्या ले आई हो? भाभी देसी। अच्छा अच्छा रख दो रख दो। हाँ ये ले आई हो। झाड़ू है क्या? मोटिया थी वेंदन झाड़ू। झाड़ू मोटा थी वेंदे पाल वेंदे चिकन खौसी ठीक है गिची ना घट ढाणी दादे मित गिची को तेरी मम्मा ना पाए। हां हां अमीना का प्यार देखे, अमीना का प्यार देखे। आ आ अम्मी को खांसी आ जाएगी, बस करो अभी अम्मी को खांसी आ जाएगी। अच्छा अमीना हां जी नाच सुनाओ। नाच ना नहीं नहीं आती। अच्छा नाश्ता कर लिया है? नाश्ता कर लिया थे। क्या खाया है? साग खाते थे। साग खत्म हो गया था वो तो, हमने भी खाया था। आप बनाएंगे अगले महीने? ना, साग ना खाया करो। आप साग ना खाया करें? हाँ, हाँ साग जो है ना पेट में गड़बड़ कर देता है। ऐसे कल से मेहंदी 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 ले आए। मेहंदी कहती है कल से जिस चीज का इसको बन जाए ना मूड तो फिर बस उसकी बात भूलती भी नहीं है। कल से अभी ये कह रही है मेहंदी मेहंदी मेहंदी, तो हम कह रहे हैं सर्दियों में मेहंदी नहीं लगाते सर पे, तो ये जो है ना लगी हुई है लगी हुई है लगी हुई है। जब धूप निकलेगी ना धूप उस दिन लगाना, अभी तो आज बादल है आज छाँ है, वो मेहंदी सुख सी कहना छाते कहना सुख सी। क्या भी चैसे कबाड़। अच्छा आज हम जैसे दे जाए पत्ते हो थी सर को जब मा देसी को जब मा लेसी। हां क्या दे पत्ते? ये जरे वो नहीं होता है दबियल भी नहीं होती है। अच्छा ओड़े बेज बजी ते दियो है मडू बुआरे आंदे ने पड़े जा। ओ अलिशबा भी आई हुई है, कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? एक को जरे है ना वो भी खेल रही हो? हां नाच सुनानी है, चलो सुनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो माशाल्लाह। बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलो सुनाओ सुनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। हाँ वो परी कहाँ है? परी नीचे नीचे है। अच्छा अच्छा चलो ठीक हो गया। और इधर जो है अभी झाड़ू शाड़ू का काम शुरू हो रहा है,
इधर से थोड़ा सा लगाती हूँ सर, मैं पहले जो है ना मशीन लगाती हूँ। हाँ यही बात मैं भी कह रहा था कि पहले आज लगाओ मशीन, बाकी काम जो है ना बाद में करती रहना, मशीन लाजमी है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं। हाँ उसके नाल तो नहीं बैठना होता, धुलाई होती रहेंगे तो बाकी काम भी करती रहूंगी। हाँ बिल्कुल ओके हो गया, ओके हो गया। ये देखें जी अभी मशीन जो है लग चुकी है, पता नहीं चल रही है या वैसे लगी हुई है। नहीं नहीं चल रही है, ये देखें ज़बरदस्त माहौल हो गया आज जो है, मशीन भी लग गई है और धूप भी गायब है, तो कपड़े तो सूख जाते हैं, खैर एक दो दिन लग जाएंगे सूख जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। और आज आपको दिखाता हूँ मैं अपनी नर्सरी फार्म, ये देखें ये हमारा नर्सरी फार्म है, क्या बात है क्या बात है। इसमें देखें वो जो हमने मुंजी इधर सुखाने के लिए डाली थी, बच्चों ने इस बोतल में जो है वो डाल दी। अब ये मुझे लगता है ये यहाँ पे उग ना जाए, इस बोतल में ही जो है ना मुंजी आ जाएगी, चावल की काश्त होगी इस बोतल में। और बाकी सारा निज़ाम तो ऐसे है। और जो हमारा धनिया था ना, ये देखें ये नहीं हो रहा है, ये हो गया है क्या कहते हैं इसको, फ्लॉप, फ्लॉप हो गया, ये नहीं होने वाला। अब जो है ना इसमें लहसुन बीजेंगे, इसमें बीजने हैं अब लहसुन। अब जान धनिया बीजा था गमले में, वो हुआ ही नहीं है, धनिया नहीं होगा। और चीज बीजो लहसुन, लहसुन बीज देना। हाँ वो ही मैं भी सोच रहा हूँ कि लहसुन बीज दें, ये धनिया को तकरीबन लगाए हुए 15 दिन हो गए होंगे शायद। हाँ जी हाँ जी। तो ये हुआ भी नहीं है, होएगा भी नहीं, क्योंकि आजकल मौसम तो है, फिर क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, पता नहीं वो क्या गलती है या तो तू गड्ढे ला रहे हो। हाँ लहसुन जाओ से जाओ से ना जाओ से तो थूम जाओ से। हाँ सही है। ये देखें इधर दीवार पे गिलहरी आया हुआ बैठा है। हाँ जी ये बैठा हुआ है दीवार पे ये। अच्छा मौसम को देखें बार बार, आज बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मौसम को देखने के ना, बार बार दिल करता है कि देखें, ऐसा बहुत ही कम कम होता है जब ये ऐसे मौसम बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम माशाल्लाह से। चलें जी अभी जो है ये, ओए होए होए अंदर क्या हो रहा है ये देखें, झाड़ू लग रहा है, सारे मिट्टी उड़ाई हुई है। हाँ झाड़ू लगा मिट्टी तो उड़ती है। अच्छा हम मिट्टी का कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है ठीक है, करो अपने काम माशाल्लाह। हाँ कर रही हूँ। आप तो नहीं कर रही, जो आप करवा लो। चाय पड़ी है? चाय हाँ पड़ी है। दो घूंट मिलेंगे? मिल जाएंगे, रखे हैं पीने वास्ते। दो घूंट मिल से ना? हाँ, ले आती हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ, दो घूंट चाय दे दो आज जो है ना। अच्छा तो दो घूंट अभी चाय पीते हैं, क्योंकि नाश्ते के बाद थोड़ी सी पी थी तो अभी तक तलब हो रही है, वो रोटी के साथ मैं चाय को खा गया था रोटी के साथ, तो अब जो है ना ऐसे अकेले पियेंगे, थोड़ा गला बला सेट हो जाएगा तो फिर। क्या कह रही हो? पैसे ले रही हो? क्या करोगी? क्या करोगी? ओ पैसे ले लिए अब्बू से? अब्बू से पैसे ले लिए? अब्बू से पैसे ले रही है दोनों। क्या लोगी? पीस लोगी? पीस बंटी और पीस। अच्छा जी अभी अभी एक जो है गुड न्यूज आई है, इनविटेशन आया है, वो आपसे शेयर कर देते हैं। अभी अभी इनविटेशन आया है हमारे पास सबा इरफान व्लॉग्स का, वो कहते हैं कि हमारे घर पे आ जाएं, कोई जो है प्रोग्राम है, तो पता नहीं क्या प्रोग्राम है क्या है, तो वो कह रहे थे कि आप जल्दी से आ जाएं, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, कोई पार्टी है।
तो फिर जो है सब घर वालों को बताते हैं और फिर वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम है, क्या पार्टी है, क्या हो रहा है। वहाँ पहुँच कर जो है आपसे वो आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ये हो रही है मुकम्मल। तो फिर जो है आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे वो क्या प्रोग्राम है, किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो अम्मी जान, सबा इरफान वालों ने इनवाइट किया है, कहते हैं हमारे घर आ जाए, खाने पीने का इंतज़ाम है, कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी है, तो आप आ जाए। हूँ सारे तो नहीं चल सके थे, जून बड़ा छाखड़े, कोई मी बारिश, कोई जेरे जैसे कोई पता नहीं जी सलाह करो। तो वही जो है ना मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह है प्रोग्राम बना हुआ है। अबू जान आप जाएंगे? नहीं, उधर पार्टी है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम है, बताओ खाने चावल नहीं खाना है? हाँ हाँ, मैं भी जाना है। अच्छा अच्छा, मैं भी जाना है। तो अच्छा अच्छा, बात तो करने दो। अच्छा हाँ, आप क्या कह रहे थे, चावल नहीं खाने? नहीं। अच्छा हाँ, खांसी है ना आपको? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अबू जान जो है, क्योंकि वो साफ जा रहे हैं कि चीज़ों पर चावल ही बनते हैं, और वो भी कह ही रहा था कि चावल बन रहे हैं, तो फिर अबू जान ने चावल खाने नहीं है, तो अबू जान कह रहे हैं कि मैं तो नहीं। वो इरफान तो कह रहा था कि आपको स्पेशली भी ले आए, तो चावल नहीं खाने तो आप वैसे चले जाए, चक्कर चक्कर लगा के आ जाएंगे, कुछ और खिला देंगे आपको, कोई क्या पता कोई मिठाई शिठाई भी हो। वैसे फिर वर्जिश भी हो जाएगी, घूम फिर लेंगे, मौसम तो ठीक है, आज ठंडा मौसम है। ठंडा मौसम है आज, ठंडा मौसम गर्मियों में होता है ना कि गर्मी है, अब नहीं जा सकते, सफर नहीं होता। ठंडा मौसम है, घूम सर्दियों में भी जो है ना, आज ठंडा मौसम है, घूम कर सकते हैं। और अभी जो है फिजा को बताते हैं, फिजा जहाँ पे कपड़े वगैरह भी धो रही है। फिजा ये शोर बंद करो, मेरी बात सुनो। आज जो है ना इनविटेशन आया हुआ है, सबा इरफान वाले बुला रहे हैं कि हमारे घर पे आ जाएं, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो वो बुला रहे हैं। किस टाइम का किया है? टाइम तो अभी जुम्मे से पहले पहले के कह रहे थे, कहते थे आप अभी आ जाएं, नहीं तो जुम्मे से पहले खाने पीने का भी इंतजाम है। अभी ये 11 तो बज गए हैं, 12 बजे तक कह रहे थे। हाँ आज काम ही बहुत सारे हैं, मैं तो मशीन लगाई हुई है, देखें ऊपर से बादल बने हुए हैं, मुझे ना तो टेंशन बन रही है, फिर मैं उधर चली जाऊं तो मेरे कपड़े तो रह जाएंगे। कपड़े तो रह जाएंगे, फिर आप क्या करना है, वही है, अभी अभी इनविटेशन आया है ना। आपका क्या ख्याल है, कल शाम को बताते तो आज फिर कपड़े नहीं धोती? आज जुम्मा है ना, उसको छुट्टी होती है काम से। काम से छुट्टी होगी तो आज जुम्मा है, इसलिए आज का प्रोग्राम उन्होंने बना लिया। चलो देखते हैं अपना ये वीडियो ब्लॉग तो मुकम्मल करके। हाँ ये तो मुकम्मल हो गया, अब इसमें मैंने बहन भाइयों को बता दिया है कि ये जो है ना जो वहाँ जाने का जो भी प्रोग्राम है वो वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगी, क्योंकि अभी ये जो है हमारा ब्लॉग हो रहा है मुकम्मल। अभी मैं नीचे भी जाता हूँ, नीचे अल्ताफ भाई और भाभी को भी बताना है, उनको भी कह रहा था, उनको भी बता दें, तो नीचे उनको भी मैं बता के आता हूँ, फिर आप जो है तैयारी वगैरह करें कुछ। हाँ ये जो है ना ये तो धुलई हो गए हैं, इसको निकालती हूँ और डालती हूँ, और एक टाइम से पहले धुलई हो जाता है तो फिर बाकी जो है डाल के चली जाऊंगी, एक चाबी लग जाएगी, रुक जाएगी, फिर वापस आके करती रहूँगी। धुल गए हैं उनको सूखने के लिए डाल दो, बाकी और इसमें डाल के चाबी लगा के चली जाओ। आप नीचे जा रहे हैं तो मोटर भी चला देना, पानी नहीं है, मैं इसको निकालती हूँ तो धुलाई करती हूँ, डालती हूँ, फिर तो नीचे जाता हूँ। भाभी और अल्ताफ भाई को भी ये बताना है, इन्विटेशन देनी है, तो फिर मोटर भी चला देंगे। क्या हुआ, क्या कह रही हो? अम्मा पैसे लुके हुए दिए? कितने पैसे लुके हुए दिए? कितना पैसा लुके हुए दिए? अम्मा कन चोरी चाहिए ना? अच्छा अच्छा अच्छा, आज धूप नहीं निकलेगी?
कुकड़ी मारा कुकड़ी मारा क्या कुकड़ी मारा पैसे कल कल ले आएंगे मेहंदी जो है ना कल ले आएंगे आज धूप नहीं है आज सारे बादल हैं सुल्तान राही की दुकान सुल्तान राही की दुकान कहाँ पे है अच्छा अच्छा ले आएंगे ले आएंगे अभी बर्तन धो लो तुम कल को धूप निकलेगी फिर कल को लगाएंगे हाँ जी बताओ है ना हाँ तो ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह आज कपड़े शपड़े इस्त्री हो रहे हैं हाँ जी काफी दिन हो गए थे धुलाई करके रखे थे और टाइम नहीं मिल रहा था तो आज मैंने सोचा चलो सबसे पहले जो है ना अच्छा इनको इस्त्री कर लेती हूँ इनको जो है ना अलमारी में सेट करके फिर जो है ना और काम करूंगी बर्तना जमीना का मूड सही था तो बर्तना जमीना धो रही है तो इसलिए मैं जो है ना कपड़े इस्त्री कर रही हूँ अच्छा भाई अभी सोए हुए हैं हाँ उन्होंने कहा बोला था कि 11 बजे उठा देना मैंने जो है ना काम से जाना है 11 तो बज गए हैं उठाओ हाँ उठाया है अभी उठाया है देखते हैं उठा है कि नहीं उठा अच्छा मैं बताने आया था वो सफाई इरफान वाले हैं जो हाँ उनकी जो है ना आज कोई पार्टी वगैरह है कोई फंक्शन है उन्होंने इनवाइट किया है कि आप लोग आ जाए सफाई इरफान मतलब वो हमारी खाला का बेटा अच्छा कितने बजे वो 12 बजे 12 बजे अभी 11 बज गए घंटा है वो कह रहे थे जुम्मे से पहले खाने पीने का भी इंतजाम है तो अच्छा आ जाए अभी मेरे पास कॉल आई थी तो मैंने कहा कि आपको बता दूं अच्छा तो फिर वहाँ भी जाना है वो तैयारी श्यारी करें प्रोग्राम बनाए कोई अच्छा देखते हैं हम तो खाने वाने का सोच रहे थे ना अभी 11 बज गए हैं तो मैं सोच रही थी कुछ सब्जी वगैरह मंगवाएं और बनाएं खाना दोपहर वाला खाना तो अब वहाँ ही होगा खाने के लिए तो बुला रहे हैं ना ऐसे फिर वो ऐसा होता है ना मतलब के सब घर वाले नहीं जाते ये मसला बन जाता है फिर जो घर रहते हैं फिर उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता है हाँ ये तो है फिर या तो सब घर वाले चले या फिर पता हाँ, नहीं या सब घर वाले चले फिर तो है कुछ ना बनाए चले जाए अगर कोई घर बैठेगा तो फिर उनके लिए जो खाना बनाना होगा वो भी इधर ही रह जाएगा तो जो घर होंगे फिर वो खाना उधर से ही ले आएंगे घर वालों के लिए अच्छा हाँ अगर उधर से वो खाना पता नहीं है कि उनकी जो है ना इंतजाम बड़ा है छोटा है इंतजाम तो इतना बड़ा नहीं है छोटा ही है बस तो बाकी जो है देखे अबू जान को मैंने कहा वो कहते हैं मैंने तो चावल खाने नहीं है वहाँ पे होंगे चावल मैं नहीं जाता हूँ मैंने कहा इरफान कह रहा था आप तो स्पेशल आए चावल खाएं या ना खाएं लेकिन वहाँ पे जाएं तो सही अबू के लिए हाँ अबू का वैसे भी रास है ना उनको खांसी का मसला है तो वो तो चावल बिल्कुल ही नहीं खाएंगे रात अबू को भी खांसी है अम्मी को भी खांसी है अमीना को भी खांसी होती सब बच्चों को मतलब सबको होती है खांसी तो सबको है देखते हैं हाँ। क्या होता है प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम बनाएं जल्दी से जो भी बने फिर टाइम तो है थोड़ा 12 बज रहे हैं 12 बजे तो वहाँ पे पहुँचना है जुम्मे से पहले कह रहे थे हैं प्रोग्राम खाना पीना करके फिर जुम्मा पढ़ेंगे सही सही तो चलो जी अभी जो है देखते हैं प्रोग्राम जैसा भी हो वो मैंने मोटर चलाई हुई है जो दूसरी आपने फिर चला दी इसको ना चलाए ना वो दूसरी चल रही है इलेक्ट्रिक वाली ये दोनों एक साथ फिर नहीं चलाने चाहिए ना कोई जल ना जाए हाँ वो मैंने दूसरी चला दी है वो देखो कितना पानी आ रहा है वो चली हुई है तो ये बैटरी वाली नहीं चलाई क्योंकि आज धूप नहीं है थोड़ी सी बैटरी चार्ज है तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी जब बिजली नहीं होगी तो फिर चलाएंगे इसको हाँ जी तो चलें जी अभी फिर चलते हैं जी ऊपर क्या हुआ वो ये रखने जा रही हो अच्छा रखो 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 तो चलें जी अभी फिर चलते हैं ऊपर और ऊपर चल के जो है व्लॉग का करेंगे एंड क्योंकि व्लॉग हो चुका है काफी लंबा तो हाँ जी अम्मी जान नीचे भी बता दिया है उनको कहते हैं बनाते हैं प्रोग्राम कोई
तो प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं जी, कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा, कि सब जाएंगे जो भी है प्रोग्राम पर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे जो भी रूटीन होगी, जो भी वहाँ का प्रोग्राम होगा। तो अभी जो है चाहते हैं आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Love is bye. Zindabad.